बेलागंज में नहीं चला तेजस्वी यादव का जादू बेलागंज में नहीं हो पाया लालू यादव का यात्रा सफल और बेलागंज में ओसामा साहब और हीना साहब भी कुछ नहीं कर पाई क्या एकदम से बेलागंज की जनता ने कुछ अलग ही मूड बना रखा था और क्या सुरेंदर यादव के बेटे के पक्ष में नहीं गए मुसलमान वोटर ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा क्योंकि अभी जो स्थिति आ रही है, जो खबर आ रही है बेलागंज से वो तो यही है कि भाई मोहम्मद अमजद ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव जीत चुके हैं अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं क्या ये सारे जादू फीके पड़ गए हैं ये सब कुछ मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं बेलागंज एक ऐसा सीट इस उपचुनाव में जिसमें सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता आपको दिखाई दिए होंगे और यहां तक कि अंतिम अंतिम में एकदम लालू यादव भी वहां पे पहुंच जाते हैं और वजह यह है कि वहां पे मुस्लिम वोटरों को वो एक करना चाहते थे वो चाहते थे कि ये जो मुसलमान स्वराज की तरफ रुख कर रहे हैं बिल्कुल इनको स्वराज की तरफ जाने से रोक लेना है और एकदम से अप अपने ऊपर स्विफ्ट करा लेना है लेकिन क्या हीना साहब को ले जाने के बाद क्या ओसामा साहब की रैली कराने के बाद और क्या तेजस्वी यादव कई सभा जो कर चुके हैं बेलागंज में उनके उन सभाओं के बाद भी यादव और मुसलमान एक नहीं हो पाए हैं क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद अमजद ने ऐलान कर दिया कि भाई चुनाव तो हम जीत रहे हैं और एकदम से माहौल मेरे फेवर में है वो भी आज वोटिंग के दिन वो तो यही बता रहा है कि अगर ऐसा हुआ और अगर मोहम्मद अमजद की बातें बिल्कुल सच निकली तो ये मान लीजिए कि सिर्फ बेलागंज ही नहीं पूरे बिहार में कहीं ना कहीं एम वाई समीकरण का टूटना तय हो जाएगा क्योंकि बेलागंज ही एक ऐसा विधानसभा का क्षेत्र रहा है इस बार, इस बार उपचुनाव में जहां पे आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी लालू यादव जो बीमार चल रहे थे जो आमतौर पे सभाएं नहीं करते उनको भी बेलागंज जाना पड़ा और वजह यह है कि वो चाहते थे कि एमवाई समीकरण टूटे ना समीकरण बिखरे ना और इस वजह से वहां पे जाना पड़ा जब वहां पे उसामा और हीना साहब भी मौजूद थे तब हजारों की संख्या में भीड़ भी थी लेकिन वो भीड़ शायद वोट में तब्दील नहीं हो पाई अंदर खाने से ये भी खबर आ रही थी कि भाई साहब ओसामा साहब और हीना साहब से तो कोई परहेज नहीं है लेकिन लालू यादव से अब वहां के मुसलमान जो है वो उगता गए हैं और इस वजह से उन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना तीसरा ऑप्शन प्रशांत किशोर आप समझिए प्रशांत किशोर का डे वन से यही फंडा था कि किसी भी तरीके से पहले तो ये एम वाई समीकरण को तोड़ा जाए और अगर इस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं प्रशांत किशोर तो समझ जाइए कि बिहार की राजनीति में उनका एक बोलबाला शुरू हो जाएगा एक वर्ग एक अपना तबका हो जाएगा और उसके बाद वो बिहार की राजनीति में काफी प्रासंगिक भी हो जाएंगे और ये काम करने में शायद वो कामयाब हो गए ये काम करने में बिल्कुल वो कामयाब हो सकते हैं क्योंकि जो दावा मोहम्मद अमजद का है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो भी प्लान सेट किया था प्रशांत किशोर ने और जिस जिस भी तरीके से किया था बिल्कुल माहौल वैसा ही हुआ है और इस बार जो है मोहम्मद अमजद एकदम से फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं मीडिया से रूबरू हो रहे हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उसमें उनका दावा है कि मुसलमान जो हैं वो मेरे पक्ष में हैं, मेरे फेवर में हैं और अगर ऐसा काम करने में प्रशांत किशोर कामयाब हो जाते हैं, तो अभी से एक साल के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस फाइनल चुनाव में एकदम से प्रशांत किशोर माहौल बदल के रख देंगे ये बेलागंज की सीट जो है वो तय करने वाली है कि प्रशांत किशोर कितने प्रासंगिक है ये बेलागंज की सीट ही तय करेगी कि क्या लालू यादव का समीकरण टूट चुका है और यह बेलागंज की ही सीट करेगी कि अब आगे साहब के साथ आरजेडी किस तरीके से पेश आने वाली है यानी उनको कितना तवज्जो देने वाली है बाकी इस खबर को लेके इस जानकारी को लेके इस बातचीत को लेके और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पूरा बेलागंज में अभी एक माहौल सेट कर दिया है और मोहम्मद अमजद एकदम खुले मंच से दहार दहार के मीडिया के सामने ये ऐलान कर रहे हैं कि बिल्कुल मेरा सीट निकलने वाला है इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं आपको क्या लगता है कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है